रो नहीं, बस मोबाइल है ना, कोई मसला नहीं है। तो भाभी जान जो है ना रो रही है क्या? कि गाड़ी में चटाई पड़ी थी, 9-10 बजे उन्होंने ये उठाई। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अदर भाई भी जैसे आए हुए हैं, अहमद भाई देखे खड़े हैं, बहुत सारे एक टेंशन और प्रॉब्लम बन गई है। आपकी रात ही हुई है हमारी वारदात, तो मेरे 2 मोबाइल हैं, पर्स भी था और उसमें रकम भी थी, सारा कुछ चोर जो है वो ले उड़े हैं। अंदर दीवार फलांगे उन्होंने, क्योंकि कुंडिया वगैरह जो गेट की वो भी बंद थी और सारे कुंडे छुंडे बंद करके हम तसल्ली से सोए हैं। तो गए थे निकाह पर, तो निकाह दे वापसी जैसे आए हैं थके हारे, हम सोए हैं। मैंने साथ में ना रख दिया मोबाइल चार्जिंग के लिए और साथ में पर्स भी था मेरा, मैं निकाल देता कोई साइड पे लगे ना। तो तकरीबन जब सुबह उठी है मेरी वाइफ, जब उठी है तो इन्वेस्टिगेशन भी की है इसने, मोबाइल किधर है। तो पर्स भी नहीं था और मोबाइल वगैरह भी ले उड़े थे। तो ये आज मामला जो है हमारा बन चुका है, किस्म की मतलब चोरी हो चुकी है, बहुत परेशानी बन गई है। अब किस चीज़ का वेट किया जा रहा है? पुलिस आ रही है, कॉल की है, पुलिस सारा पूछा है उन्होंने, प्रोसेस क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या चोरी हुई है। अच्छा, तो अभी आ रहे हैं, कहते अभी अब आ रहे हैं, देखते हैं मौका, सारा कुछ दरख्वास्त लिखते हैं, सारा कुछ करते हैं। और कैमरे में भी सुना है आया है, सामने वाले कैमरे में चोर आया है, 2:12 में ना, हाँ चोर आया है। लेकिन आप अंधेरा था ना, नजर तो नहीं आ रहा, पर खाका तो आ गया कि भाई ये चोर है, यहीं पे आया है। पहचानने वाला बंदा तो पहचान लेगा ना कि कौन है। हाँ। इधर भी देखा है उसने, यहाँ पे आके इधर भी देखा है, पर इधर भी देखा, फिर वापस चले। ये पता नहीं है वो सामान वगैरह उठा के आया या बाद में आया। नहीं, पहले आया होगा, बाद में सामान आया होगा ना। बाकी फिर जब वापस गया तो फिर वापस नहीं, वारदात करके फिर उधर उस साइड। क्या क्या चोरी हो गया है? चोरी मेरे भाई मोबाइल रेडमी नोट 10 प्रो, हाँ उसमें सिमें हैं, अपना रियलमी C25 मेरे वाला, उसमें सिमें भी हैं, और पूरा पर्स जो है जिसमें ATM कार्ड है। आपका वैलेट? हाँ जी, मेरा है वैलेट, वैलेट में ATM कार्ड, शनाख्ती कार्ड की कापियाँ, तकरीबन 67,600 रुपये, 67,600 रुपये वो भी पड़े थे पर्स में। तो सारे ही जाना, वो मोबाइल भी गए, पार्ट्स भी गया, पार्ट में सारी चीज़ पैसे थे, जो चीज़ भी थी ATM कार्ड वगैरह सारा कुछ लेके, ये सारा कुछ, मतलब कि उसमें चैनल भी लगे हुए हैं, चैनल रिमूव करवाए उनके, रिमूव करते हैं फिर और के भी लगे, उनको कहते हैं आप स्कोर्ड भी अपना चेंज करते हैं, ये ना हो कि इसके साथ साथ उन चैनल भी चला जाए। हाँ ये तो है। चलें जी देखते हैं, पुलिस अभी आती है और फुटेज वगैरह कर रहे हैं, पुलिस जल्दी वाली है हमारी, कैमरे की फुटेज वगैरह भी चेक करते हैं। तो आप फुटेज भी हो गया, उन्होंने कहा कि वीडियो कॉपी करें जो आ रहा है चोर, कॉपी करके रखे हमारे। हाँ जी, तो देखते हैं क्या बनता है, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। और बल्लब जो कैमरे के साथ वाला बल्लब है वो भी बंद था, तो पहचान में जो है चोर मुश्किल से आ रहा है। CCTV जो है आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन मेरा ये वाला जो ग्लोब है ये जल रहा होता है रात को, तो ये काफ़ी दूर बहुत है ना। अब वो देखें कैमरा खड़ा है, ये काफ़ी दूर है, और मुखलिस भाई का घर तो ये है ना, तो इधर से चोर चोरी कर गया है। तो इसमें जो है चोरी जो हुई है वो है 2 मोबाइल टच वाले, मुखलिस भाई के जिनसे भी वो लोग वगैरह बनाते थे, एक वो था रेडमी का और एक था रियलमी का, जो कि मुखलिस भाई का अपना यूज़ में था। और जो वॉलेट होता है जैसे मेरा पर्स है छोटा, वैसा पर्स में काफ़ी रकम भी थी और शनाख्ती कार्ड वगैरह थे, ATM कार्ड वगैरह थे, वो सारे जो हैं चोर लेकर उड़ गया। और मुअज्जम का जो चार्जर है वो खड़ा था वो भी ले गया, मतलब उसके जो हाथ लगी ना
हालांकि सो भी रहे थे घर, थके हुए थे ना, तो रात जब आए तो सब लोग सो गए, हम भी सो गए थे। तो वो आके ना चोर ने फिर चोरी कर ली। अब देखते हैं क्या बनता है। देखते हैं अभी क्या होता है, अल्लाह पाक खैर करेगा। हाँ जी, बहुत टेंशन बन गया, परेशानी बन गई है। इधर पहुंच गए हैं जी, भाभी जान बड़ी परेशान बैठी हैं। हाँ जी, आपके मोबाइल तो चोरी हो गए हैं, मैंने कहा आपके लिए ही व्लॉग बना दूं। थैंक यू। तो पुलिस पुलिस आ रही है, दिखाते वो फुटेज में जा रहा है। जी तो प्यारे बहन भैया, हमारे साथ जो ना बहुत बड़ा एक हादसा हो गया, बहुत बड़ा मसला बन गया। जैसा कि आपने देखा है, हम गए थे उधर अलीपुर में, मुंशी का निकाह था उधर, दो दिन हम उधर फंक्शन करते रहे इधर अपने घर में, वो जैसे फंक्शन होते रहे। तो रात को हम पहुंचे लेट, तो इधर घर आके ना चाय बना के पी के सो गए थे। तो हमारी शुरू से आदत ये है कि बाहर वाला गेट जो है ना हम बंद करके रखते हैं, और कमरे वाले जो है ना वो खुले पड़ते हैं, कुंडी नहीं लगाते, क्योंकि बच्चे बड़े आते जाते रहते हैं, वैसे तो लेट नाइट तक जागते रहते हैं, लेकिन रात जो थके हुए थे बस मोबाइल चलाते चलाते मुखलिस सो गया, इनको नींद आ गई, मुझे भी नींद आ गई, और हमारे घर में जो है ना चोरी हो गई है। हमारे दोनों व्लॉग वाला मोबाइल था, और दूसरा जो मुखलिस खबरें वाला चैनल बनाता था, इनका मोबाइल भी चोरी हो गया, और हमारा व्लॉग वाला जो मोबाइल मैं वीडियो बनाती थी वो भी हमारा चोरी हो गया। और साथ में इनका पर्स भी रखा था उस मोबाइल के साथ, उसमें ना ATM कार्ड था, शनाख्ती कार्ड था, और पैसे रात कितने निकलवा कर लेकर आए, जो हमारे पास बचे हुए थे वो भी 67,000 कुछ हुए। हाँ, मैंने मुखलिस को कहा कि अभी ना ATM रात को जब आ रहे थे, मैंने कहा कि जो पैसे पड़े हैं वो निकला कर ले आए, क्योंकि दूध वालों को देना था, और जो है ना आगे की शॉपिंग भी करनी थी, शादी जैसे मौजा मलिक की हम शादी कर रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा पैसे अभी लेकर आओ। वो सब कुछ जो है ना हमारा चोरी हो गया, हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। तो आगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, बच्चों के लिए रोजी करते थे ना, तो कोई समझ नहीं आ रही। अभी जो है ना पुलिस आ रही है, देखेगी, वारदात करेगी। पुलिस नहीं वारदात करती, तशवीश करती है, देखेगी। हाँ, तशवीश करने वाले वारदात करते हैं, तशवीश करेगी। रो नहीं, बस मोबाइल है ना, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा, बंदा तय है। देर रात अपने बच्चों के लिए मेहनत करते थे, किसी के से मांगते तो नहीं थे ना, हम किसी की बुराई भी हम नहीं करते थे, लेकिन हमारे साथ इतना कुछ हो गया। चोर नहीं देखते बुराई क्या होती है, चोर तो चोर होते हैं ना, चोर तो चोरी का मतलब है। परेशान ना हो, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। देखना जो भी गया लेके गया ना, सामने आ जाएगा, देखना पकड़ा जाएगा, हम छोड़ेंगे नहीं उसे ऐसे। उसको पता चलेगा कि इधर जो है ना गलती कैसे की है, मैंने नुकसान कैसे किया है। अब देखना एक बार मिल जाए, बस परेशान ना हो, शुक्र अल्लाह पाक खैर करेगा। पुलिस आ गई है, पता नहीं। ये तो लाख लाख में शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह पाक का, और
अहमद भाई ने ना कैमरे लगा दिए हमारी गली में, खाली लाइट भी नहीं थी, लाइट होती तो फिर हमें पता चल जाता जो कैसे आए, गेट से ऊपर आए या कोई रस्सी एक पड़ी है हमारे गेट के सामने, क्योंकि पिलर के ऊपर जो है ना सरिये हमारे बच्चे हुए हैं, तो हमें शक पड़ता है कि उधर से ना गेट से उन्होंने रस्सी डाली और ऊपर गेट से गुजर के आए हैं। तो जाए जब चले गए हैं ना तो वो बैठक की कुंडी खोल के इधर से गए हैं, गेट बंद पड़ा था, मतलब अंदर से कुंडी लगी होती है बैठक को। हाँ बाहर से मैंने लगा दी थी रात, और अंदर भी लगी हुई थी बाहर भी, जो बंदा गुजरा है ना चढ़ा है बंदा, अंदर चढ़ा है दीवार पर आ गया, गेट पर आ गया, जो भी किया अंदर आ गया उसने तसल्ली की है, बाहर से फिर कुंडी उसने हटा दी है, फिर ये वारदात करके फिर वो अंदर वाली कुंडी खोल के लिए। ये बात, ये गेट वैसे ही बंद रहा है, वैसे ही बंद था, तो उसने गेट ही नहीं खोला, शायद खिड़का हो जाए, तो उधर से उस दरवाजे से किया था, खामोशी से निकल गया, कोई आवाज़ नहीं आती उसकी दरवाजे की, तो जब किया तो उधर से निकल गया। हाँ ऐसा ही है, और रात के 2:12 में वो सीसीटीवी में खड़ा है। हाँ सीसीटीवी में चोर मोबाइल के डब्बे वगैरह हैं, वो कोर्ट के जरिए पुलिस वो ट्रैकिंग पे लगा देना ना, दोनों मोबाइल ट्रैकिंग पे लगा देना, दोनों के डब्बे लेके दोनों को ट्रैकिंग पे लगा देना। वो डब्बा ढूंढने जरा वो मेरे वाला मोबाइल रंडी हो जाएगा डब्बा, और इतना भाई लेके आए थे न्यू डब्बा होगा तो वो ये उसका दूसरे का है डब्बा, चले हो जाएगा इंशाल्लाह। कैसे हुआ ये, आपके डोर वगैरह बंद थे नहीं थे? ये गेट बंद था, ये तो समझ लो घर बंद हो गई तसल्ली है, और जब हम रात को 9 बजे पहुंचे हैं तो आपकी भाभी ने कहा कि नहीं अंदर, तो भाभी जान जो है ना रो रही है कि क्योंकि ये जहनो गुमान में भी नहीं होता कि ये हमारे साथ होगा या नहीं होगा। बिल्कुल रात को हम खुशी खुशी उधर निकाह करके आए इधर रात को, फिर हर बंदर ये ना मतलब कि यही चीज तो हम सोचने वाली होती है ना कि यही जो साथ में होते हैं यही करने वाले होते हैं ना, जो कि मतलब उनको पता होता है, वीडियो में देखते रहते हैं ये कहाँ गए हुए हैं कहाँ नहीं गए हुए हैं, इसी वजह से तो मैंने अपने घर में सारे जो है वो खुफिया सीसीटीवी लगवा रखे हैं कि चले जो भी आता है उसको पता तो चल जाएगा ना। तो ये मिसाल ये था ना, इधर साइड गली थी और आपकी गली में ना बल्ब भी लगा हुआ था, इनकी गली में अगर बल्ब लगा होता तो बिल्कुल पहचान आ जाते, जैसे वो चढ़े हैं जैसे उतरे हैं जैसे गए हैं सारे नजर आ जाते। बस ये भी हुआ कि हमारे जो बैठक वाला बल्ब है ना वो भी बंद था। हाँ लेकिन उसकी कैमरे की लाइटें चल रही थी, लेकिन देखिए जो जो बंदा उधर वो उधर आ रहा था ना उधर पुल पे आया, तो बंदा तो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये पहचान में आ जाता है, पहचान में आ जाता है, और हम यहाँ से भी पूछते हैं अपने हमसायों से शायद उनकी पहचान में आ जाए। हाँ इस तरह अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो देखिए सबा का मोबाइल चोरी हुआ था ना, ये जो मोबाइल वाली चोरी है ना ये कभी छुपती नहीं है, पहली बात ये, क्योंकि मोबाइल के हमारे पास डब्बे मौजूद है, ठीक है, ये चोरी कभी छुपती नहीं है ना, अगर और चोरी होती ना तो शायद खुदा ना खास्ता ना भी वापस आती, लेकिन ये साथ में जो मोबाइल लेके गए ना ये उन्होंने बड़ी बेवकूफी करके गए हैं, ये तो इंशाल्लाह ये नहीं बचने वाले हैं। लेके गए हैं चार्जर जो मैंने लंबी तार वाला लगाया हुआ था, चार्जर उन्होंने बिल्कुल नहीं निकाला, फिर उनके पास टाइम नहीं था, जाएंगे मोबाइल पड़े थे निकाल के पास हमारे जो मोबाइल का चार्जिंग था वो पड़ा है, मौसम के मोबाइल का चार्जिंग ये बाहर वाले बोर्ड में था वो उतार ऐसे हम निकलवा के लाए हैं, मतलब के शॉपिंग करनी थी आज उतार है। दूसरे नंबर पे मैंने कहा मेरे लिए भी निकलवाना क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और एटीएम नहीं लग रहे थे, आप कल गए थे तो साहब ने कहा हमारे भी पैसे निकलवा, ये मुझे ऐसे लगता है निकाले सारे मोबाइल नेक्स्ट भी ला के ना मैंने भी, ये भाई ये ना आ जाएगी जैसे की जाएंगे, लेकिन दुख मुझे इस बात का है दोनों हमारे काम वाले मोबाइल थे, एक उनका खबरों वाला चैनल का काम करता था वो भी नहीं है, और हमारा ब्लॉग बनाने वाला भी नहीं है, मैं कैसे बचूंगी रोजगार, आपके 6 महीने साल लग गया था ढूंढते ढूंढते,
लेकिन वो उसने तो हमने कुछ मिस्टेक की थी जिसकी वजह से ना ज्यादा लेट हो गया था। हाँ, इस बार जो है ना हमने कोई मिस्टेक नहीं की है, क्योंकि उस टाइम हमें बाद में पता चला गा, फिर हमने 15 नहीं की थी। अभी तो हमारी सारी FIR हर चीजें 15 पे कॉल, पुलिस भी आ रही है, सारा कुछ मौका देखेगी, हर चीज करेगी। उसके बाद हमारे पास CCTV मौजूद है, उस वक्त हमारे पास CCTV मौजूद नहीं थी। फिर जब मोबाइल चोरी हुआ और ये फिर चोरी के मामला, तो उस दिन से मैंने अपने घर में CCTV लगवा। लेकिन उस टाइम कोई बंदे का पता भी नहीं था कि किस लिए, अभी तो ये CCTV में सामने बंदा आ रहा है। यकीन जाने ऐसे CCTV लगाए हैं ना, ये खड़े हैं सारे भाभियां भाई खड़े हैं, किसी को पता है हमने घर में CCTV लगवाए? किसी को भी नहीं पता, ये हमारे घर के अफराद है। हाँ जी, ये आज इनको पता चला कि मैं चोरी हुई है। नहीं, एक दिन मैं गया था ना अम्मी का पूछने, उस दिन आपकी LED पे देखा था, चल रहे थे। अच्छा, लेकिन ये नहीं पता अब तक के वो लगे हुए कहाँ कहाँ। हाँ, ये नहीं आपको पता था। सही बात है, क्योंकि LED पे वो LED ऑन होती है ना, तो चल रही होती है, जब बहुत काम कर दे फिर किसी को नहीं पता चलता ना। और हर एक चीज आपने खुफिया रखी हुई है, किसी को भी कभी कुछ मालूम नहीं हो सकता। तो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। बाकी अभी पुलिस आती है तो उसके बाद भी फैसला होगा। उसके बाद मैंने और भी कुछ दोस्तों को बुलाया है, तो वो जो है ना अभी आ रहे हैं, तो वो पूरी यहाँ इलाके को, बस्तियों को, सबको जानते हैं, तो उनको भी CCTV दिखाते हैं, शायद उनकी पहचान में बंदा आ जाए। हाँ, ये भी सही है। हाँ। चले जी, अभी जो है पुलिस का इंतजार है, 15 की हुई है, अभी तक पुलिस जो है वो नहीं पहुंची। जैसे पुलिस पहुंचेगी उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे। नहीं, मैं बच्चों को अंदर जाने ना दे, और जैसे चीजें पड़ी हुई है वैसे रहने दे, कुछ भी नहीं करना। इस कमरे में मैं और मेरे बच्चे इधर सोते थे, रात को आए थे ना, जैसे ये बिस्तर पड़े थे वैसे हर कोई आके सो गया था। तो उधर उस कमरे में ना मुखलिस की जगह इधर ये कुंडी नहीं लगाई थी। नहीं, मैं ना थकी हुई थी, मैं सो गई थी। मौला मली जो है ना अपने पापा के लिए चाय बना रहा था, मैंने कहा चाय बना के आप बाहर के बल्लभ जो है ना वो भी बंद कर देना और गेट भी बंद कर देना, ये भी कुंडी लगाना। तो उन्होंने नहीं लगाया था और मुखलिस इधर सो गए, इधर की जगह उधर मैंने बनाई थी, लेकिन उन्होंने कहा है मैंने चटाई पे सोऊंगा। तो उन्होंने ये आपकी गाड़ी में चटाई पड़ी थी 9-10 बजे, उन्होंने ये उठाई इधर मौला मली ने बिछा कर दी और चाय भी बना कर दी। ये देखे, ये इस चार्जिंग में ना सारी रात मोबाइल इधर चार्ज होता है, मुखलिस काम भी करता रहता है। तो सुबह जब ऐसे टैंड भी पड़ी है, हम जैसे काम करते रहते हैं ना, ये सब कुछ मैं सो गई थी, मुखलिस अकेला था और वीडियो वगैरह का काम करता रहा। इधर उन्होंने साथ में ना चार्जिंग भी लगा दिया था मोबाइल, और उनका पर्स था, जैसे ATM कार्ड, शनाख्ती कार्ड, पैसे वगैरह जितने उन्होंने निकलवाए वो भी इधर रखे थे और मोबाइल भी इधर पड़े, यहाँ पे थे मोबाइल पास, यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर था, उन्होंने इधर ही छोड़ दी और उन्होंने कुंडी नहीं लगाई थी। अकेला था ना, अंदर वाली तो कम से कम कुंडी लगा लेता था, डेली लगा लेता था। उन्होंने कहा मैं मोबाइल में चलाते मुझे नींद आ गई। बस वो कहते हैं ना सख्ती का पता नहीं लगता जो है ना, अचानक ये चीजें आती है और जो है ना बहुत ज्यादा। चले, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। दो मोबाइल, पर्स, उसमें ATM, शनाख्ती कार्ड, उसमें बहुत सारी रकम। हाँ, जितनी रकम पड़ी थी वो सारी मैंने रात वो हमने भी कहा था भाई को कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे लिए भी निकलवाना, फिर जब हम निकलवाएंगे आपको दे देंगे। भाई हमारे लिए भी निकलवा कर। अच्छा, इस कमरे में आपकी हर चीज पूरी है? इस कमरे में और सामान देख लिया, सब चीजें पूरी है ना, किसी को मैंने चेक नहीं किया, कोई चीज ऐसी पड़ी नहीं थी, मतलब जो कीमती चीजें थी। हाँ, वो ले गए। पंखा इधर पड़ा था, वो पड़ी है, फ्रिज पड़े है, और बाहर जो कुंडी खोल के गया था ना सुबह, बैठक वाली कुंडी खुली पड़ी थी, लेकिन उस बैठक में हमारी बैग भी थी, मोटरसाइकिल खड़ी है, वो खड़ी है, जैसे खड़ी थी उनको चिल्लाया हिलाया भी नहीं, उसको तकड़ी रकम हासिल होगी ना वो भाग गया, और कोई चीज उठाने की उन्होंने शायद कोशिश भी नहीं की। चले, अल्लाह पाक बेहतर करता है। तो प्यारे बहन भाइयों, इसी के साथ ये वाला व्लॉग ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि परेशानी बहुत बन गई है और इनके मोबाइल चोरी हो गए हैं, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर दें कि क्या मामलात हुए हैं। तो आपने भी दुआ करनी है कि चोर पकड़े जाएं और हमारी लूटी हुई रकम जो है, चोरी हुई हुई रकम जो है, वो वापस मिल जाए इंशाल्लाह। भाई वो तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास CCTV ना होता, वीडियो मौजूद ना होते, फिर तो था,
लेकिन अभी तो हर चीज हमारे सामने है, बिल्कुल हमने बंदा भी देख लिया है। फिर तो इंशाल्लाह पकड़े ही जाएगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा जी। और इसी के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, क्या मामलात होते हैं, क्योंकि मोबाइल इनके व्लॉग वाले ही थे जो चोरी हो गए हैं, तो अब इनके पास ना ही व्लॉग के लिए मोबाइल है ना कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए जो है मैंने कहा बेगम के मोबाइल से वीडियो बना लेते हैं और उनके चैनल पे डाल देते हैं। तो मुझे नहीं था पता, मैं सुबह ही मुझे कहा कि आप कॉलें लगाएं, हमारे नंबरों पर मोबाइल नहीं है, तो कॉलें लगाएं, नंबर दोनों बंद है, तो उस टाइम से पता लगा, फिर अंदाज़ा लगाया, इधर रस्सियाँ वगैरह इधर से ही आए हैं चोर, और इधर से बैठक का अंदर के दरवाजे से खोल के फिर निकल गए। सुबह ये दरवाज़ा बैठक का जो है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें मोटरसाइकिल भी खड़ी है, साइकिलियाँ वगैरह भी हैं, ये दरवाज़ा अंदर से बंद होता है ना, तो ये खुला खड़ा था। फिर सुबह भाभी ने गौर नहीं किया, वो आके तिखे तिखे इसको बंद कर दिया, बंद करके फिर खाने पकाने में लग गए, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे थे ना इसीलिए। तो आप साहब ने दुआ करनी है, रिक्वेस्ट है, ये देखे रस्सी पड़ी है, ये पड़ी है रस्सी, ये रस्सी भी पड़ी है, और ये निशान भी लगे खड़े हैं पाँव के, जैसे मिट्टी नहीं होती, ये देखें मिट्टी जैसे ऊपर इधर से चढ़ते हैं ना, ये जो एक पौड़ी बनी खड़ी है, इधर से ही मुझे लगता है चोर घुसे हैं, ये रस्सी का सहारा लिया है, और फिर बैठक का दरवाज़ा इधर है, इधर से फिर ऐसे ही निकल गए हैं।